हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नॉन ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज है छोटी दिवाली, तो मेरी ओर से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सौरभ स्कूल जा चुका है, उसकी छुट्टी है नहीं, सिर्फ कल की छुट्टी है ओनली दीपावली की। ना धनतेरस की थी, ना आज की है, ना कल की है, परसों की भी नहीं है, मतलब है ही नहीं, सिर्फ वन ही छुट्टी है। तो अभी बाकी का काम करते हैं। तो मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, और जो पहले के कपड़े पड़े हुए उनको मैंने आयरन अभी तक नहीं किया। तो गाइस, साथ के साथ आयरन करते हैं, उसके बाद लाइटिंग वगैरह का काम करेंगे। तो क्लीनिंग डस्टिंग सब कल हो चुकी थी, अभी जस्ट घर को डेकोरेट करना है, तो वो आज करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से बारिश आ गई गाइस, क्या करें, बाहर कपड़े सुखाए थे, एकदम से बारिश स्टार्ट। अगर ऐसे ही बारिश आती रही ना, तो बाहर तो लाइटिंग लग ही नहीं पाएंगी, कैसे जलाएंगे। सोच रहे कि अब की बार घर के अंदर ही सारी लाइटिंग वगैरह लगाएं तो बेटर रहेगा। और मैं ये भी सोच रही थी कि सारे कपड़े धो देती हूँ आज, लेकिन सूखेंगे नहीं तो क्या फायदा। क्या कर सकते हैं गाइस, बारिश का हमारे हाथ में तो है नहीं, और यहाँ पे कोस्टल एरिया ना, तो किसी भी टाइम बारिश आ जाती है। सुबह मौसम एकदम खुला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि आज बहुत ही अमेजिंग धूप निकलने वाली है, बट एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। तो चलिए, मैं तो अपनी प्रेस कंटिन्यू करती हूँ, तो हम यहाँ पर बारिश का मज़ा लेते हुए प्रेस करेंगे। गाइस अभी लगाते हैं पोछा, तो पोछे के पानी में मैं ये वाला पानी मिक्स करने वाली हूँ। ये अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन दो हांडियाँ भर के रखी थी, उनमें से एक हांडी में पोछा लगाना है और दूसरी हांडी में बच्चे जितने भी हों सभी नहा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी सबके पानी में मिक्स कर देते हैं। तो अभी यहाँ तो सौरभ ही है, तो सौरभ के पानी में मैंने मिक्स कर दिया था, तो अभी ये डाल के पोछा लगाते हैं। काम करते करते गाइस आज भी 1:15 हो गया है टाइम, तो अभी लंच बनाते हैं। लंच में मैं आज नमकीन चावल बनाने वाली हूँ, कुछ खास नहीं बनाने वाली, क्योंकि अभी लाइटिंग का काम बाकी है, तो लाइटिंग में बहुत टाइम लगने वाला है। और सौरभ भी इवनिंग को आएगा, नहीं तो वो कुछ हेल्प कर देता। अब मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही मिल के लगानी पड़ेगी, बाहर लगा नहीं सकते क्योंकि बारिश आई हुई है, कई करंट वगैरह आ जाएगा और लाइटिंग भी ख़राब होने का चांस है। तो घर के अंदर ही सारी लाइटिंग करते हैं, और जितनी भी लाइटिंग है वो मैंने यहाँ पर लगा के रखी है, तो इनको अंदर ही सेट करेंगे। तो चलिए पहले लंच बनाती हूँ और उसके बाद लाइटिंग का काम स्टार्ट करते हैं। और मैंने आज एक गरारे वाला सूट डाला है, आई डोंट नो कैसा लग रहा है, इनकी नेक ना अजीब से हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पड़े रहते हैं, ऐसे चिपके हुए होने चाहिए ना, ये रेडीमेड सूट ना ऐसे ही आते हैं। तो गाइस हमारे राइस तैयार हैं और सारी सब्जियां वगैरह नीचे ही रह गई, तो इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पे हैप्पी दीपावली लगा दिया है। सो गाइस, लाइटिंग वगैरह सारी डेकोरेशन हो गई है, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक छोटी सी रंगोली। तो ये अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं ट्यूब के साथ, कहाँ पे क्या लगाएंगे। तो पहले रंगोली बनाते हैं और फिर मैं आपको सारी लाइटिंग दिखाती हूँ पूरे घर की। Thank you.
गाइस, दिए मैंने लगा दिए हैं और इस सूट का दुपट्टा थोड़ा सा खड़ा खड़ा है तो मैंने ये वाला ओढ़ के रखा है। तो अभी कुछ मीठा बनाते हैं, पहले हलवा बनाएंगे। हलवा खाएगा ना सौरभ? थोड़ा थोड़ा, ठीक है, हलवा बनाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह कल लेके आएंगे। तो चलिए डिनर की तैयारी करते हैं। तो गाइस, रोटी मैंने बना ली है, सब्जी भी बना ली है आलू की, और अभी मैं जस्ट हलवा बना रही हूँ। तो गरम गरम खाएंगे और सिर्फ किशमिश ही डालूंगी मैं इसमें। किशमिश मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी है। और सब्जी मैंने बनाई है आलू की। व्लॉग का एंड करते हैं। होप गाइस, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अगेन हैप्पी दिवाली।